अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सहमत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अदस्टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फुसिया ओएस के बारे में। यानी कि फुसिया ओएस जो है वो गूगल की तरफ से एक ओएस आने वाला है, जिसके बारे में काफी ज्यादा बातें हो रही थी कि यार ये ओएस आएगा, काफी ज्यादा अच्छा ओएस होगा, क्या ये एंड्रॉइड को रिप्लेस कर लेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं। तो आज की वीडियो जो है आप लोगों को मुख्तलिफ लीक्स वगैरह देखने को मिली थी और कई लोगों को कन्फर्म नहीं था कि यार ये फुसिया ओएस है क्या। तो मैंने सोचा आज की ये वीडियो बताते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार ये क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसानात वगैरह होने वाले हैं, क्या कुछ है। ओवरऑल जो है मैं एक वीडियो के अंदर पूरे फुसिया ओएस की आप लोगों को डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नल की। अब कर्नल जो है वो एक बेसिक सिस्टम होता है जो किसी भी ओएस को जो है डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। तो एंड्रॉइड की अगर बात कर ली जाए तो वो लिनक्स ओएस पे बेस हुआ था, और लिनक्स ओएस जो है वो मोबाइल फोन वगैरह के लिए स्पेसिफाइड नहीं था। उसको जो है लिनक्स ओएस पे बनाया गया और उसको फिर मोबाइलों पर रन करवाया गया। बेसिकली जो एंड्रॉइड खुद है वो जो है आया था डिजिटल कैमरास में आया था, और उसके बाद मोबाइलों पे आया था। गूगल ने ये नहीं सोचा था कि हम मोबाइलों के लिए ओएस बना रहे हैं, उन्होंने डिजिटल कैमरास के लिए बनाया था, और उसके बाद ये मोबाइल जो है जब आया तो हिट होके जो है दुनिया के टॉप जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले ओएस में गूगल का के इसका एंड्रॉइड का भी नाम आ गया। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए फुसिया ओएस की, तो इसमें जो है गूगल ने लिनक्स के कर्नल को यूज नहीं किया, जबकि यहाँ पर गूगल ने एक अपना कर्नल डेवलप किया है जिसका नाम इन्होंने ज़िकॉन दिया है। यहाँ पर इस कर्नल को बनाते हुए गूगल ने उसके ऊपर जो है फुसिया ओएस को बनाया है। और ये कर्नल जो है इसकी खास चीज यह है कि ये बिल्कुल भी नॉन स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं है कि ये मोबाइलों के लिए बनाया गया है या स्पेशल लैपटॉप्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो है बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेज जो है वो काम कर सकती है, कई ज्यादा डिवाइसेज पे ये काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो है बेसिकली दो स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो दो बहुत ज्यादा मेन फीचर्स है। एक तो ये स्मार्ट कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेज, यानी कि अगर बहुत सारी डिवाइसेज होगी जिसमें फुसिया ओएस चल रहा होगा तो डिवाइसेज जो आपस में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगी, जिसे आप IoT वगैरह भी कहते हैं। तो उसमें जो है डिवाइसेज का कम्युनिकेशन जो सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो मेन फीचर है वो ये कि इसमें बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेज है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो कर्नल है वो बहुत ज्यादा नॉन स्पेसिफाइड है। ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली मोबाइलों के लिए बनाया गया या स्पेशली लैपटॉप्स के लिए बनाया गया। ये जो है ऐसा कर्नल है जो कहीं भी आप किसी भी डिवाइसेज पे जो है आराम से चला सकते हैं, किसी भी किस्म की डिवाइस पे ये चल सकता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन की। तो अब ऐसा था कि एंड्रॉइड वगैरह जब फोन पे चलते थे तो सॉफ्टवेयर जो था वो जो चलता था जब मोबाइल पे, तो हार्डवेयर इतना कैपेबल होता था कि उसमें 6 GB 8 GB रैम आपको देखने की मिलती थी। हार्डवेयर बहुत ज्यादा अच्छा होता था, लेकिन फिर भी उसके अच्छे होने के बावजूद भी जो है वो इतने अच्छे से फोन जो है ओवरऑल डिवाइस परफॉर्म नहीं कर सकती थी। इसके अंदर अब होता क्या था कि जो एक बेसिक ओएस होता है उसके अंदर तीन चीजें होती है मेन। एक होता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद होता है कर्नल, और उसके बाद होते हैं उसके ड्राइवर्स। अब ये तीन चीजें जो है वो गूगल खुद मोबाइलों में नहीं प्रोवाइड कर रहा था, बल्कि जो है गूगल की तरफ से डेवलप कर दिए जाते थे। उसके बाद जो OEM होते थे, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते थे, जैसे सैमसंग, HTC, LG, सोनी वगैरह और इस तरह की दूसरी कंपनीज वगैरह जो है वो खुद अपने हिसाब से उनको सेट करती थी, अपने हिसाब से मोबाइल फोन में डालती थी। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए अपडेट्स की, तो वो भी गूगल के कंट्रोल में नहीं थी। गूगल जो है वो बस एक ओएस को बना देता था, फिर कंपनी की मर्जी होती थी कि सैमसंग जो है वो नोट 9 में पाई की अपडेट दे या ना दे, वो सैमसंग की मर्जी है। सैमसंग जो है वो एंड्रॉइड एक्स जो नया 10 आने वाला है वो उसको अपडेट करे या ना करे, वो सैमसंग की मर्जी थी। गूगल का इसमें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ पर भी एक चीज ये है कि गूगल ने ऐसा ओएस डेवलप किया कि जिसमें गूगल का कंट्रोल हो। इसके अलावा यहाँ पर बात कर ली जाए तो इसमें जो यूजर का एक्सपीरियंस था उसमें भी गूगल का कंट्रोल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हर कंपनी जो है वो अपना एक्सपीरियंस वाला वर्जन बनाती थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं EMUI देखने को मिलता है आपको आवे के फोन में, MIUI आपको शाओमी के फोन में देखने को मिलता है, सैमसंग का आपको अलग UI देखने को मिलता है, LG का अलग मिलता है, सोनी का अलग मिलता है। तो आप लोगों को जो है रियल एंड्रॉइड की फील बहुत कम मोबाइलों में देखने को मिलती है। जो वन एंड्रॉइड वाली डिवाइसेज होती थी उनके अंदर आपको रियल एंड्रॉइड की जो है फील देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर जो है फ्रेगमेंटेशन का भी काफी ज्यादा इशू था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि फुसिया ओएस के हमें बेनिफिट्स क्या है, क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा फायदा है इसका, तो हम फुसिया ओएस को यूज करने का हमें क्या फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर जो है इसकी बात कर लीजिए अगर कर्नल की, तो वो जो है बहुत ज्यादा नॉन स्पेसिफाइड है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो अब ये किन किन डिवाइसेज में चल सकता है, तो जैसा कि आप सोच ले मोबाइलों पे चल सकता है, लैपटॉप्स पे चल सकता है, इसमें जो PCs वगैरह पे आपके चल सकता है। इसके अलावा आपके जिस तरह गूगल होम वगैरह आती है, इस तरह की डिवाइसेज पे ये काम कर सकते हैं, आपके स्मार्ट फ्रिजेस में चल सकता है, आप लोगों के जो ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती है, कार्स वगैरह होती है, कहीं भी आदि आप इसको चला सकते हैं, ये आराम से चलेगा।
इसके बाद इसमें दूसरा फायदा ये होगा कि एक ओएस होगा सारी डिवाइसेस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लैपटॉप या पीसी जब यूज करना है तो आप विंडोज ओएस यूज करेंगे, मोबाइल यूज करना है तो आप एंड्रॉइड ओएस यूज करेंगे, मैकबुक या आपने आईफोन यूज करना है तो आप आईओएस का ओएस यूज करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग जो ये होगा ये कि फुसिया ओएस जो है वो सब डिवाइसेस पे चलेगा, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी आपकी कोई भी डिवाइसेस हो तो उसमें जो फुसिया ओएस चलेगा उसमें स्मार्ट सिंक का सिस्टम होगा, और इसके अलावा जो है डिवाइसेस आपस में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेगी। इसके अलावा यहाँ पर मसला ये था कि इंटीग्रेशन जो थी वो मसला कह रहा हूँ बल्कि यहाँ पर बेनिफिट हमें ये होगा कि डिवाइसेस के बीच में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जैसा कि आप फर्ज करें आप घर में बैठे हुए तो आप जो है एक रूम में बैठकर म्यूजिक प्ले कर रहे हैं गूगल होम पे, अब जब आप दूसरे रूम में जाएंगे तो आप गूगल होम जो है मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करेगा, आप क्योंकि वो दूसरे रूम में चले गए तो आपको वहां पर आवाज नहीं आ रही, म्यूजिक सिंक होकर आपका जो है वो मोबाइल पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब आप चाहते हैं अब जब घर से बाहर निकलते हैं गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी में जो स्पीकर है आपका मोबाइल से म्यूजिक सिंक होगा और मोबाइल गाड़ी में चलना शुरू हो जाएगा। यदि डिवाइसेज इस तरीके से, ये मैंने आपको खाली एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से डिवाइसेज जो आपस में कम्युनिकेट करके इंसान के अच्छे के लिए काम करेगी और उसमें जो आपको काफी ज्यादा अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर एक और मेन चीज जो है वो है इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर गूगल का कर्नल वगैरह सब कुछ अपना है, वो इस पे काफी ज्यादा गूगल खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है वो भी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है, क्योंकि हमें आईओएस के मुकाबले में एंड्रॉइड को कहा जाता था कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अब यहाँ पर जो है फुसिया ओएस है इसके अंदर हमें इसकी जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त किस्म की देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इसको बनाया गया है काफी ज्यादा क्लीन बनाया गया है, क्लियर बनाया गया है, काफी ज्यादा सिंपलर बनाने की कोशिश की है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस जो है इसके साथ काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्लटर जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हुए जो है एंड्रॉइड की जो एपीके फाइल्स है और इसके अलावा आईओएस वगैरह की जो फाइल्स वगैरह जो एप्स वगैरह उनकी आती है वो राइट की जाती है। और मजे की बात यह है कि जो फुस्तिया ओएस होने वाला है उसका भी जो एप्स वगैरह होगी वो इसी फ्लटर ओएस पे ऑपरेट इसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखी जाएगी। तो इसमें जो खास चीज हमें देखने को मिली वो ये कि जो एंड्रॉइड की एप्स जो होगी वो भी ये जो है सपोर्ट कर लेगा, फुस्तिया ओएस एंड्रॉइड की एप्स भी चला सकता है। अब कोई भी ओएस हो तो उसकी जो मेन एक जिसे आप कह सकते हैं कि बैकबोन होती है उसका एप स्टोर, अब जैसे आप विंडोज के फोन में देख सकते हैं उनका ऐप स्टोर कुछ खास नहीं था, इसके अलावा आईओएस का जो है वो अच्छा आप कह सकते हैं कि स्टोर है, काफी ज्यादा वहां पर ऐप्स है, और एंड्रॉइड का जो आप नंबर वन कह सकते हैं कि यार बहुत ज्यादा अच्छा इनका स्टोर है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिलती है। तो अब जो है यहाँ पर एंड्रॉइड की जो बहुत ज्यादा वाइड मार्केट थी इस वजह से एंड्रॉइड जो है टॉप के ओएस में भी शामिल होता है, तो यहाँ पर अब मसला ये हुआ कि लोगों ने सोचा कि यार फुसिया ओएस है तो हर ऐप नई बनानी पड़ेगी, आप पबजी उधर खेलते थे तो पबजी इधर के लिए डेवलप होगी तो खेलेंगे, वरना तो एंड्रॉइड भी चलेगी आप फुसिया पे नहीं चला सकते, तो इस मसले को भी खत्म किया और यहाँ पर इसी ऐप फ्लटर पे लिखेंगे और इसी की वजह से आप लोग जो है एपीके फाइल जो है वो भी फुसिया ओएस पे चला सकते हैं। तो यहाँ पर फुसिया की जो मार्केट है वो बनी बनाई मार्केट है और काफी ज्यादा बड़ी मार्केट होने वाली है यहाँ पर ऐप मार्केट इसकी। उसके बाद बात कर लेते हैं एंड्रॉइड एप्स के बारे में, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये चलते हैं प्लेस इसमें सारी एप्स जो है यहाँ पर भी आपके पास चलेगी। यूजर इंटरफेस जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछले दिनों एक इसकी ऐप लीक हुई थी, वीडियो लीक हुई थी एक वेबसाइट पर, और उन्होंने यहाँ पर दिखाया था कि एक लिस्ट होती थी, एक लिस्ट के अंदर सारी आपकी एप्स वगैरह आती थी, आप लिस्ट में से कोई भी ऐप खोलते थे होम करते थे एक ही लिस्ट के अंदर इस तरह एप्स आ रही होती, जैसे आपको विंडोज में जो है बॉक्सेस देखने को मिलते थे इसमें जो है पूरी एक लिस्ट आपको देखने को मिलती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है होम स्क्रीन पे ही आप अगर अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते थे तो वहां पर आपको जो साउंड कंट्रोल और ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाता था, तो यदि यहाँ पर स्टेटस बार जो है वो भी नहीं होने वाला और आपको यही चीज जो है नीचे होम स्क्रीन पर ही दी गई है, तो इसमें जो है आप लोगों को इस तरह की चेंजेस देखने को मिल सकती है। इसके बाद जो मेन सवाल आता है कई लोगों के जहन में ये सवाल है तो वो ये है कि क्या फुसिया ओएस जो है वो एंड्रॉयड को रिप्लेस कर लेगा, एंड्रॉयड टोटली खत्म हो जाएगा और फुसिया ओएस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो है बेबी, क्योंकि जो है फुसिया ओएस जो है गूगल उस पर अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इस पे काम किया जा रहा है, और इसकी रिप्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो अगले आने वाले 1-2 सालों में 2-3 सालों में तो हमें इसकी रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि फुसिया ओएस जो है वो एंड्रॉइड को रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि गूगल जो है उसने काफी ज्यादा इनफ रिसोर्सेज इसके ऊपर लगा दिए गए और उसके अलावा हंड्रेड ऑफ इंजीनियर्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि गूगल जो है बहुत मेहनत कर रहा है इस ओएस पे और इसके बाद इसको जो है लॉन्च करेगा तो हो सकता है कि एंड्रॉइड को रिप्लेस कर ले। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग जो है इसके हमें ऑनर प्ले के ऊपर देखने को मिली थी पिछले दिनों में, जब ऑनर प्ले की कोडिंग लीक देखने उसके अंदर जो है फुसिया ओएस के जो है कोड्स वगैरह देखने को मिले थे ऑनर प्ले के अंदर, जो कि इस बात को साबित करते हैं कि फुसिया ओएस जो है हुआवे वालों ने ऑनर प्ले के ऊपर टेस्ट करके देखा है, तो ये है कि इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है,
तो इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में हमें ये देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप इस सब को सोच के एक्साइटेड है कि आप एक ओएस होगा, बिल्कुल सुकून से आप होंगे, आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी, आपके अच्छे के लिए काम करेगी, तो ये सब कुछ आप जो है फायदा आपको देखने को मिलेगा। क्या आप इस बारे में एक्साइटेड है या फिर आप इस बारे में वरीड है कि गूगल जो है आस्ता आस्ता हमारे पूरे प्लेनेट को जो है अपने कंट्रोल के अंदर लेने वाला है। तो दोस्तों आपने अगर कोई सवाल वगैरह करना है, कोई सवाल आपके जहन में रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी की नई नई वीडियोज रोज लेकर आता रहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।